कहानी मुंबई की क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये कहानी पूरे देश में दरकते परिवारों की गवाही है। वो कहानी जिसमें है एक माँ, जिसमें है एक बेटी। माँ जिसके सिर पर अपने फूल सी बेटी का गला दबाकर उसे कत्ल करने का संगीन इल्जाम है। क्या वो माँ नहीं जानती थी कि उसकी बेटी उसके प्यार को सालों साल तरसती रही, वो उसे गले लगाना चाहती थी। क्या वो माँ नहीं जानती थी कि उसकी बेटी के बचपन के दो दोस्त थे, उसके आंसू और उसकी डायरी। उसकी बेटी ने आखिर डायरी में किसे लिखा है डायन। सामने आ गए हैं कई सुलगते प्यार को तरसते लफ्ज और खुल रहे हैं नए राज। देखिए शीना की डायरी में एक थी डायन। जब एक परिवार टूटता है तो बच्चों पर क्या गुजरती है, ये आपको बताएंगे और भी बहुत सारी खबरें होंगी। मैं हूं आकाश सोनी, आप देख रहे हैं इंडिया 9 बजे। पूरे देश में हलचल मचा देने वाले शीना बुरा मर्डर केस में एक डायरी अब कई अहम राज खोलने जा रही है। इस डायरी में 23 साल की शीना के कातिल के क्या सुराग हैं? आखिर शीना अपनी सगी माँ को क्यों डायन कह रही है, ये चौंकाने वाला सच भी आपको बताएंगे कुछ ही पलों में। पहले देखिए आज की 10 बड़ी खबरें टॉप 10। शीना मर्डर केस में पहली बार मुंबई पुलिस के हाथ शीना बोरा की डायरी लगी है। ये डायरी संजीव खन्ना के कोलकाता वाले घर से बरामद हुई। इसमें शीना ने अपनी माँ इंद्राणी, पिता सिद्धार्थ और पीटर मुखर्जी को लेकर काफी बातें लिखी। इस डायरी में शीना ने माँ इंद्राणी के प्रति नफरत और पिता सिद्धार्थ से उम्मीदें और नाराजगी जाहिर की। इंद्राणी मुखर्जी ने खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान हत्या में शामिल होने की बात कबूल कर ली। हालांकि इंद्राणी ने कहा कि उसने शीना का गला नहीं दबाया। इस मामले में आज फिर तीनों आरोपियों के अलावा पीटर मुखर्जी से भी पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी और पीटर से ज्यादातर सवाल पैसों के लेन देन पर ही पूछे गए। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने मुसलमानों पर एक बार फिर विवादित लेख लिखा है। तोगड़िया का कहना है कि अगर मुसलमान दो से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो उन पर आपराधिक केस दर्ज होना चाहिए। तोगड़िया ने यह भी लिखा है कि जो मुस्लिम परिवार नियोजन का पालन नहीं करते उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। तोगड़िया ने लिखा है कि अगर दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सजा नहीं मिली तो भारत जल्द मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। आरक्षण की मांग पर लड़े पाटीदार समाज के नेता हार्दिक पटेल अब दांडी मार्च करेंगे। ये यात्रा दांडी से अहमदाबाद तक जाएगी। इस महीने की 5 या 6 को दांडी मार्च निकलने की संभावना है। पाटीदार समाज की दांडी मार्च गुजरात के 9 जिलों से गुजरेगी। हार्दिक हर रोज 30 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। पूर्व गृह सचिव LC गोयल के बाद अब स्वच्छ भारत अभियान की मुखिया सीनियर IAS अधिकारी विजय लक्ष्मी जोशी ने भी VRS ले ली। गुजरात कैडर की IAS अफसर विजय लक्ष्मी जोशी की VRS की अर्जी केंद्र सरकार ने मंजूर भी कर ली है। हालांकि विजय लक्ष्मी की सर्विस के 3 साल बाकी थे। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में हुए करोड़ों के घोटाले की CBI जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में फारूक अब्दुल्ला समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। JKCA में जिस वक्त ये घोटाले हुए उस वक्त संघ के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला थे। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक स्कूली छात्र सुरलिम ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले उसने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने दोस्तों को एक मैसेज भी भेजा था। सुरलिम ने मैसेज में अपने दोस्तों को जिंदगी का अहम हिस्सा बताया। पुलिस के मुताबिक माता पिता के तलाक के बाद से सुरलिम अक्सर परेशान रहता था। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मेहंदी लगाकर और राखी बांधकर स्कूल जाना कुछ छात्राओं को भारी पड़ गया। आरोप है कि स्कूल की प्रिंसिपल ने सजा के तौर पर पहले तो छात्राओं को पीटा, फिर हाथ में बंधी राखी कैंची से कटवा दी। उसके बाद मेहंदी हटाने के लिए पत्थर पर हाथ रगड़वा दिया। ओडिशा के कटक में पिछले 1 साल में 1000 बच्चों की मौत हो गई। सभी बच्चों की मौत शिशु भवन नाम के शिशु चिकित्सा केंद्र में हुई। सिर्फ पिछले 15 दिनों में 62 बच्चों की मौत हुई है। स्टाफ और सुविधाओं के अभाव में रोज औसतन 5 बच्चों की मौत होती है। हैदराबाद के एक निजी स्कूल में 10वीं के 2 छात्रों के बीच जानलेवा मारपीट की CCTV फुटेज सामने आई है। मारपीट की इस घटना में एक छात्र की लड़ते लड़ते मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है।